Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to your YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ सर्विस सेंटर टाटा मोटर्स के. आपको जैसा कि पता है पिछले वीडियो में हमारी अल्ट्रोज लड़ गई थी गाय से और काफी ज्यादा आगे डैमेज आया था. तो गाइज, इंश्योरेंस क्लेम हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, यही सब चीज देखने मैं जा रहा हूँ आज टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर. हालांकि गाइज, आज मुझे सुबह सर्वेयर का कॉल आया था, जो इंश्योरेंस के सर्वेयर होते हैं, कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है. मैं बोल दिया कि ब्रिजलेक्स मोटर्स वाराणसी में खड़ी है, तो हो सकता है आज वो गए हो सर्वे करने. देखते हैं, आई होप अप्रूवल आज आ गया हो. अप्रूवल आ गया होगा तो आज ही से गाड़ी में काम स्टार्ट हो जाएगा. तो क्या कुछ अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. तो चलिए सीधे लेके चलता हूं टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर, जो कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है. वहां जाके पता करते हैं गाड़ी कब तक मिलेगी, काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, अप्रूवल आया कि नहीं आया, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर और वहां पे चल के मैं आपको दिखाता हूं गाड़ी किस कंडीशन में है, बनना शुरू हुई है कि नहीं हुई है, अप्रूवल आया कि नहीं आया. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइज, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी बनना स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, पूरा आगे से खुल चुकी है. इसका बोनेट, रेडिएटर, हेडलाइट, बम्पर सब कुछ खुल चुका है. और ये देख लीजिए, लोहा यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो भैया इसको शायद ठीक करेंगे डेंटर भैया, या फिर चेंज करेंगे. और ये आगे वाला लोहा तो पूरा ही चेंज होगा इस गाड़ी में मेरे. बाकी यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, रेडिएटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी ख़राब है, ये भी चेंज होगा. हमारे गाड़ी का नया बम्पर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो नया बम्पर आ चुका है, और साथ में नया बोनेट भी आ चुका है. बस आज हेडलाइट नहीं आया था, जो कि कल आएगा, जिसके वजह से गाड़ी में आज काम नहीं लगा. बाकी इंश्योरेंस का अप्रूवल वगैरह सब कुछ आ चुका है. जीरो डेप्थ में मेरी गाड़ी बनेगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी. फेंडर में थोड़ा सा ये पिचका हुआ था, तो मेरे से ही कभी का लगा होगा, तो वही मैं देख रहा था, आज मुझे दिखा. बाकी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा गाड़ी आगे से खुल चुका है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा. ये हमारा पुराना वाला जो है बोनट है, पूरा पिचक चुका है, नया बोनट लगेगा, नया पूरा हेडलाइट लगेगा, बम्पर वगैरह सब कुछ नया लगेगा. गाड़ी एकदम नई हो जाएगी, 3 से 4 दिन और लगेंगे और गाड़ी अपनी मिल जाएगी. तो गाइस, बहुत बुरा लग रहा है गाड़ी लड़ गई, लेकिन चलो अच्छा भी लग रहा है कि चलो अब गाड़ी हमारी नई बन के मिल जाएगी. लेकिन वही है यार, कंपनी में जैसा काम होता है, जैसा फैक्ट्री में होता है, वैसा तो नहीं होगा, बट हाँ, गाड़ी हमारी बन जाएगी, तो इसका खुशी है मुझे. सो गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा गाड़ी का क्या कंडीशन है, गाड़ी बस बनने ही वाली है. बट गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि गाड़ी का एयर बैग क्यों नहीं खुला. मुझे ऐसा ये लग रहा है ना कि 40-50 की स्पीड रही होगी भैया की, जहाँ तक भैया बता रहा था, तो शायद इस वजह से एयर बैग नहीं खुला होगा. इनफैक्ट 40 से भी कम था जहाँ तक भैया बता रहा था, शायद इसलिए एयर बैग नहीं खुला होगा. लेकिन गाइज, एयर बैग खुलना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं क्यों, शायद ज़्यादा स्पीड या 100-150 का स्पीड होता है तब शायद एयर बैग खुलता है, इस वजह से शायद ना खुला हो एयर बैग. तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी अभी क्लेम में है. देखो, गाड़ी अब बहुत ही जल्दी बन जाएगी. अभी तो फिलहाल अभी बोनेट आ चुका है, बम्पर आ चुका है, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को दिखाया. हेडलाइट अभी नहीं आया था, लेकिन आज आ गया होगा, तो हेडलाइट आ जाएगा, तो गाड़ी 4 से 5 दिन में मुझे मिल जाएगी. जहाँ तक मुझे लग रहा था 15-20 दिन लगने वाला है, लेकिन वो भैया बता रहे थे जो वर्कशॉप के मैनेजर हैं, कि आपका गाड़ी 1-2 हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगी. तो देखते हैं गाइस, अभी बम्पर वगैरह लगेगा, बोनेट लग के पेंट वगैरह होगा, पूरा अलाइनमेंट वगैरह होगा, फिर देखते हैं गाड़ी में कितना समय लगता है. अभी गाड़ी मेरी बन रही है, रेडी हो रही है, अप्रूवल आ चुका है, जीरो डेप्थ, सिर्फ मुझे फाइल चार्ज देना है और नट बोल्ट वगैरह जो भी लगेगा उसका पैसा देना है, अदरवाइज और 1 भी रुपए मुझे नहीं देना है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी गाड़ी जीरो डेप्थ में बन रही है. लगभग गाड़ी में खर्चा भैया बता रहे थे 1-1,20,000 ऐसे ही कुछ आएगा, लेकिन वो तो चलो जब गाड़ी बन जाएगी तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा कितने का इंश्योरेंस का खर्चा बैठा है, क्योंकि हमें तो देना नहीं है भैया, इंश्योरेंस कंपनी देगी. हमें फाइल चार्ज देना है, गाड़ी अगर मैं वॉश कराता हूँ तो उसका चार्ज देना है, नट बोल्ट थोड़ा बहुत चीज जो कि जिसका इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलता है, नट बोल्ट छोटा मोटा उसका मुझे पैसा देना है. तो मुझे लगता है 3-4 हज़ार रुपये मुझे जेब से देना पड़ेगा. कहाँ 1.5-2 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 2-4 हज़ार रुपये अगर मेरे जेब से लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो गाड़ी बन रही है, वीडियो में बने रहिएगा, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कब गाड़ी बन के मिलती है. और गाइस, प्लीज आप लोग भी थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाया करिए, क्योंकि यार गाड़ी लग जाती है, गाड़ी बन जाती है, बट भाई गाड़ी से हम लोग इतना प्यार करते हैं ना, कि अगर गाड़ी को कुछ भी होता है और गाइस एक बार भी अगर उसमें वेल्डिंग वगैरह के लिए वो लोग अगर लगाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है. क्योंकि गाड़ी लड़ के इंश्योरेंस में बन तो जाती है, बट हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी लड़े यार. हमारी गाड़ी नई जैसी फैक्ट्री से बन के आती है ना गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी शॉप वाला, कोई भी, इनफैक्ट ये जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर, ये भी वैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रोबोटिक सब कुछ होता है, रोबोट सब काम करता है, पेंट से लेके पूरा फिटिंग वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ ही चीज होता है जो कि
इंसान करता है, बाकी सब रोबोट से होता है। तो वो गाइस बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत फिनिशिंग के साथ होता है, लेकिन जो ये लोग हाथ से करते हैं वो उतना मजा नहीं देता है। लेकिन हाँ, पता तो नहीं लगता है कि इंसान का बनाया हुआ है गाड़ी लड़ने के बाद, लेकिन हाँ अपने अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि गाड़ी लड़ी थी, बनी है। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है गाइस, क्योंकि गाड़ी बन के तो मिल जाती है, लेकिन जैसा फैक्ट्री फिटेड होके आती है गाड़ी वैसा मजा नहीं रहता है। अपने को देखने में लगता है, चलाने में तो नॉर्मल ही रहता है। वैसे भी मेरे चलाने में पहले भी कोई दिक्कत नहीं था, मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर डैमेज हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि गाड़ी यार एक बार का लड़ चुकी है, बहुत बुरा लगता है कि बहुत बुरी तरीके से लड़ी थी, फिर से बनी है, तो मन में कहीं ना कहीं खटकता है वो। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी बनने के बाद बहुत ही परफेक्ट तरीके से चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी भी परफेक्ट चल रही थी। सिर्फ मेरा हेडलाइट वगैरह टूटा था, बम्पर वगैरह मेरा गया था, बोनट वगैरह गया था, ऊपरी चीज़ें गई थी, थोड़ा बहुत अंदर का लोहा मैं आपको दिखाया कि जैसा कि डैमेज हो गया, तो उसके बारे में भी वो अब सीधा होगा कि चेंज होगा उसका तो नहीं पता, बट जैसा भी होगा देखते हैं क्या होता है, सब कुछ सही रहेगा। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ लेटेस्ट मेरे गाड़ी के बारे में या फिर कोई भी गाड़ी के बारे में, आपको जल्द से जल्द उसके बारे में पता लग जाए। सो गाइस चलिए यही था आज के इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।